नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बिहार पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला होने जा रहा है। बता दें कि सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के कार्यकाल को देखा गया है, जिसके बाद रिपोर्ट्स भी मांगे गए हैं और इसी रिपोर्ट के आधार पर ट्रांसफर किए जाने की जो बात है वो पुलिस विभाग की तरफ से कही गई है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है पुलिस मुख्यालय का और किस तरह से इस बड़े स्तर पर जो ट्रांसफर है वो अगले 1 से 2 हफ्ते में बिहार में देखने को मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं और साथ ही इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है ये भी आपको बताएंगे। बता दें कि अगले 1 से 2 सप्ताह में पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर तबादला होने जा रहा है। इस बाबत पुलिस मुख्यालय ने जिलों से संबंधित पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों से जुड़ा डेटा और रिपोर्ट मांगा है। पुलिस मुख्यालय ने पिछले दिनों हुए अंतर प्रभागीय बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा की है। बैठक में जिलों के वरीय पुलिस अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया। साथ ही तबादले के दौरान सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों की पोस्टिंग का कार्यकाल देखा जाएगा। तय समय अवधि पूरी कर चुके पुलिस कर्मियों का तबादला दूसरे जिले में किया जाएगा। कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये ट्रांसफर होने वाला है। ऐसे में अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों से रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि RMS का डेटा मांगा है। इसके आधार पर ही कालबद्ध स्थानांतरण निर्णय लिया जाएगा। इसमें सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक के पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों की पोस्टिंग का कार्यकाल देखा जाएगा। साथ ही निश्चित समय अवधि पूरी कर चुके पुलिस कर्मियों का तबादला दूसरे जिले में किया जाएगा। ये प्रक्रिया 1 से 2 सप्ताह में पूरी होने की उम्मीद है। इसके साथ ही बता दें कि पुलिस मुख्यालय से स्तर से सभी जिलों को लंबित कांडों के मामले में तेजी लाने के निर्देश के साथ ही पुलिस कर्मियों पर चल रही विभागीय कार्रवाई के मामले को भी जल्द निष्पादित करते हुए निर्देश दिया गया है। पुलिस कर्मियों पर लगे अनुशासनिक आरोपों के मामले में चल रही लापरवाही की जिलावार समीक्षा की जाएगी। लंबित मामलों को जल्द ही निपटाने का निर्देश भी दिया गया है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो अगले 1 से 2 हफ्ते के बीच जितने भी पुलिस कर्मियों ने अपने कार्यकाल को पूरा कर लिया है तो उनका ट्रांसफर एक जिले से दूसरे जिले में किया जाएगा। इसको लेकर पूरी जो रिपोर्ट्स है वो विभाग की तरफ से मांगी गई है और हर एक पहलुओं को देखने के बाद ही ये ट्रांसफर ऑर्डर दिए जाएंगे। साथ ही बात करें तो सभी थाने को ये भी हिदायत दी गई है कि जो भी केसेस आते हैं उसमें देरी किए बिना तुरंत एक्शन लेना है ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। यानी कि बात करें तो इस वक्त बिहार में पुलिस विभाग जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और यही वजह है कि बड़े स्तर पर सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के ट्रांसफर की बात इस वक्त सामने आई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।